दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप भी घर पे रहते हैं, अपना बिजली का बिल खुद से मैनेज करते हैं, तो आप भी कैसे चेक कर सकते हैं आपका कितना कंजप्शन मंथली हो रहा है और क्या क्या चीज़ें आपके घर में इस्तेमाल होती हैं, उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में कितना किलोवाट का पर मंथ खपत हो रहा है। उसके हिसाब से ही बिल आता है, क्योंकि जितना किलोवाट ज़्यादा यूज होगा उतना ही बिल आएगा। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप भी घर बैठे अपना चेक कर सकते हैं कैसे कितना किलोवाट का हर महीने आपके घर में बिजली खपत हो रही है। तो सबसे पहले क्या करना, आपको इस पोर्टल पे आ जाना, जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपी का है। इसका वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद से आप देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दो दिया है। रजिस्टर आपने नहीं किया तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको अभी तक पता नहीं है रजिस्टर कैसे करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। जैसे आप क्लिक करेंगे लॉगिन पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑटो सेट करके रखा है, मेरा अकाउंट नंबर पासवर्ड यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ से सिंपली मुझे मेरे जो वहाँ जो भी कंपनी बिजली देती है उसको सेलेक्ट कर लेना। तो मेरे यहाँ पूर्वांचल विद्युत है, उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है और लॉग इन पे क्लिक कर लेना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम दूसरे पेज पे आ चुके हैं। यहाँ से आपका जो प्रोफाइल है, जिसके नाम पे भी बिजली का कनेक्शन है, पूरा प्रोफाइल डाटा आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे देखिए माय अकाउंट का ऑप्शन दिया है, बिल इन्फॉर्मेशन का दिया है और कंजप्शन का दिया है। तो कंजप्शन पे आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कंजप्शन हिस्ट्री और कंजप्शन कैलकुलेटर। यहाँ से जब आप ये कंजप्शन कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस पेज पे आ जाएंगे, कंजप्शन कैलकुलेटर। अब यहाँ पे आपको देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है, अप्लाइंसेस जो आपके घर में यूज होते हैं, मतलब जो जो चीज़ें हैं, जो जो आपके घर में मशीनें यूज होती है, जैसे वाटर हीटर है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, या फिर और कुछ है, मोटर है, जैसे ये सब चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाइंसेस उसको बोलते हैं। तो अप्लाइंसेस यहाँ पे है और यहाँ पे वाट दिया है। तो वाट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी तक, क्योंकि मैंने यहाँ से कोई भी अप्लाइंसेस सेलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे वाट नहीं दिखाएगा। उसके बाद से यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ द इक्विपमेंट्स, मतलब कितने मशीन आपके घर में हैं और कितना घंटा आप एक दिन में यूज करते हैं। अगर 1 घंटा है तो 1 घंटा रखिए, और 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से डे यूज मंथ, मतलब 1 महीने में कितना बार आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार इसको फिल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से हम अप्लाइंसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए AC 1 टन का दिया है, AC 1.5 टन, AC 2 टन का, मतलब जैसे जैसे सब चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। कंप्यूटर है, कंप्यूटर विथ प्रिंटर है, तो वो और लाइट, रेडियो, ये मतलब सारी जो घर की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आपको यहाँ पे दिखे। यहाँ पे वाटर हीटर, गीजर भी दिया है। चलिए अभी एग्जांपल हम एक यहाँ पे ले लेते हैं, वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन टोटल 550 वाट का होता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें दो तरह के आते हैं, एक 750 वाट, एक 550 वाट। तो 550 वॉशिंग मशीन का है, एक एक करके ही आपको कंजप्शन चेक करना है। तो अभी देखिए 550 वाट की मशीन है। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, सो जितनी मशीनें हैं उसमें से आप चाहें तो 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक ही नॉर्मली हर घर में रहता है तो एक रहने देते हैं। और अभी ये पूछ रहा है डेली आप कितना यूज करते हैं, एक दिन में कितने घंटा इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम इसको 1 घंटा ही रहने देते हैं, 1 घंटा तो वैसे काफ़ी है। मंथली आपको 30 दिन सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेली कपड़ा धोते हैं, नहीं तो 15 दिन चलिए हम डाल के देख लेते हैं। 15 दिन के बाद ऐड करने के बाद से आपको सिंपली यहाँ से ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन का आपका अप्लाइंसेस फ़ोटो आ गया। टोटल वाट 550 की मशीन है, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स 1 है, डेली आपका मतलब डेली इस्तेमाल करने का 1 घंटे का टाइम है, और महीने में 15 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे देखिए टोटल जो आपका लोड पड़ेगा 550 वाट का है, ठीक है। और टोटल कंजप्शन इन किलो वाट जो यूनिट होता है उसमें 8.25 का है।
तो अब इसको हम कहाँ से चेक करेंगे 8.25 का कितना बिल आएगा, मैं आपको इसको बताता हूँ दूसरे पेज पे ले चल के। तो अभी मैंने कैलकुलेशन करने के बाद से यहाँ से जो 8.25 किलोवाट आपका कंजप्शन टोटल हो रहा है, इसका एवरेज प्राइस जो होता है 6 रुपये 6 रुपये से 7 रुपये पर किलोवाट होता है। तो ये तकरीबन आपका 50 रुपये का कंजप्शन करेगा मंथ टोटल, एक महीने में अगर 15 बार आप इस्तेमाल करते हैं और 1 घंटा पर डे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।